नमस्कार दोस्तों ऐश्वर्या राय से कल ईडी ने सात घंटे की पूछताछ की है बहुत बड़ा खुलासा हुआ है बहुत सारी चीजें सामने आई है आपको पहले से ही मैं बता चुका हूं कि ऐश्वर्या राय को ईडी ने नोटिस जारी किया था और ईडी ने ऐश्वर्या राय को बुलाया था पूछताछ के लिए कल ऐश्वर्या राय दिल्ली आई थी और ईडी के सामने पेश हुई उसमें सात घंटे की पूछताछ हुई और उस पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वो मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा सवाल पूछा गया ईश्वरिया राय से कि आपने पचास हजार डॉलर की कंपनी को पंद्रह सौ डॉलर में क्यों बेच दिया और अमिताभ बच्चन की बहु बनने के बाद आपने कंपनी क्यों बंद कर दिया यह बड़ा सवाल था जिसका वो जवाब नहीं दे पाई है जिससे यह लग रहा है कि आप उनके फंसने के चांस हैं क्योंकि सवाल इतना गंभीर है कि पचास हजार डॉलर की कंपनी को सिर्फ पंद्रह सौ डॉलर में क्यों बेचा गया और दूसरा सवाल था कि अमिताभ बच्चन की बहु बनने के बाद आपने कंपनी क्यों बंद कर दी और सात घंटे की पूछताछ के बाद ऐश्वर्या राय और उनकी कंपनी के बैंक अकाउंट्स वगैरह से सारे सवाल किए गए उससे जुड़ी हुई जानकारियां मांगी गई जिसमें ऐश्वर्या राय काफी पिछड़ती हुई नजर आई और ऐसा लग रहा है कि जल्द ही ऐश्वर्या राय पे शिकंजा कसने वाला है और दिल्ली के लोकनायक भवन में कल उनसे पूछताछ जारी हुई और जो सवाल थे वो पहले से ही तैयार थे जवाब देना था ऐश्वर्या राय को एक्चुअली वो दिन भर पूछताछ हुई है और शाम को साढ़े सात बजे ऐश्वर्या राय वहां से रवाना हुई है सारे सवालों का जवाब दे करके और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ऐश्वर्या राय मुख्य दरवाजे से भी नहीं गई है पिछले दरवाजे से उन्हें जाना पड़ा क्योंकि ये काफी बड़ा गंभीर मामला है पनामा पेपर लीक्स का और इसमें ऐश्वर्या इस राय ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लाए थे जो उन्होंने वहां सबमिट किए हैं जो मुख्य रूप से ईडी ने उनसे पांच सवाल किए वो पांचों सवाल मैं आपको बता रहा हूं कि आप किन किन कंपनियों में डायरेक्टर के पद पर हैं अमिताभ बच्चन जिन कंपनियों के डायरेक्टर थे बाद में उनके शेयर क्यों बेच दिए गए 2008 के बाद कंपनी को क्यों बंद कर दिया गया क्या आपकी कंपनी ने आरबीआई वित्तीय लेन देन की मंजूरी ली थी और शादी के बाद कंपनी को क्यों बंद किया गया पचास हजार डॉलर की कंपनी को सिर्फ 1500 डॉलर में क्यों बेचा गया ये बहुत बड़ी हेरे फेरी का मामला है और जिसमें पनामा पेपर्स मामले में भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन खिलाड़ी उद्योगपति पॉलिटिशियन सब लोग का नाम आया हुआ है और इसमें ये टैक्स अथॉरिटी है जो इसकी जांच कर रही है आपको ये भी पता होगा कि इस मामले में अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ हो चुकी है और एक महीने पहले अभिषेक बच्चन से पूछताछ हुई थी जिसमें अभिषेक बच्चन ने भी सारे सवालों का जवाब दिया था और कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट कराए थे अब नंबर आ रहा है अमिताभ बच्चन का तो हो सकता है कि बहुत ही जल्दी ईडी की तरफ से अमिताभ बच्चन को नोटिस जाए और अमिताभ बच्चन को बुलाया जाएगा यहाँ पूछताछ के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सन 2016 में ब्रिटेन में पनामा की लॉ फॉर्म के 1.15 करोड़ टैक्स डॉक्यूमेंट लीक हुए थे इसमें दुनिया भर के बड़े नेता बड़े खिलाड़ी बड़े बिजनेसमैन पॉलिटिशियन सबके नाम सामने आए थे जिसमें भारत से करीब 500 लोगों के नाम हैं और आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यह मामला है और इस मामले में अब बड़े बड़े लोग फंसने वाले हैं तो हमें अभी इसका अभी बहुत सारा इंतजार है इस मामले में जितने भी अपडेट्स आएंगे मैं लगातार आपके साथ शेयर करूंगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ताजे अपडेट्स मिलते हैं जय हिंद जय भारत